हम लोग बाहर गदौलिया मार्केट से होटल रूम में आ गए हैं, क्योंकि आप देखे ही होंगे मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों इतनी स्वेटिंग हो रही थी। जो लाल वाला सूट मैंने पहना हुआ था वो भी बिल्कुल पसीने से भींग है। फिर मैंने ड्रेस चेंज की है, कुर्ती पहनी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी स्वेटिंग की कुछ कहने को नहीं, लेकिन चूँकि घूमना है तो घूमना है। और अभी हम लोग होटल रूम में आ चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, और अब हम लोग वापस कहीं घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि घूमने ही आए हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे ना मेनली जो काम है वो मुझे मेरा स्पेक्स बनवाना है, क्योंकि जो मेरा पुराना चश्मा है ना वो थोड़ा पुराना भी हो गया है, और काफ़ी टाइम से मैंने अपनी आई चेकअप भी नहीं कराया। तो टाइटन आई प्लस अगर खुला होता है, शॉप खुली होती है, तो जाते हैं हम लोग वहाँ, देखते हैं अगर कोई ढंग के स्पेक्स मिल गए अच्छे से और जल्दी बना के दे दिया उन्होंने, तो फिर एक स्पेक्स बनवाऊंगी। इसके अलावा देखिए मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हैं, पर मैं ना पता नहीं, आप बताइएगा अगर आप लोग पहनते हो, तो मैं इसमें इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मुझे स्पेक्स की आदत है, तो फिर इसलिए स्पेक्स बनवाने के लिए जा रहे हैं इस। और अगर आईपी मॉल खुला होता है, जो लोग बनारस से हैं या बीएचए स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा आईपी मॉल ही जाते थे, तो आईपी मॉल अगर खुली होती है तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लोग साथ में रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर वापस बाहर जाके। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, और ये कोल्ड कॉफ़ी आप सबको सिर्फ यही, ये सब कुछ आप सब लोग, आप लोग जो इतना सारा प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। तो हम लोग आईपी मॉल से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही पुराने जितने भी ब्रांड्स थे कोई भी शॉप खुली नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा है, शायद कोविड की वजह से, या फिर वहाँ पे कोई नई दुकानें लगेंगी, पता नहीं, पर अंदर कोई भी ब्रांड नहीं खुला है सिवाय सॉपर स्टॉप के। लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट थे तो यहाँ ग्लोबल सबसे ग्राउंड फ्लोर पे एक ब्रांड था जो सबसे ज़्यादा हम लोग लेते थे, इसके अलावा एक सिंगापुर एम्पोरियम था, हम लोग वहाँ भी जाते थे, पर अभी इतनी बंद है, बिल्कुल भी रौनक नहीं है अंदर। तो हम लोग वापस आ गए हैं, अब हम लोग यहाँ से टाइटन आई प्लस जाएंगे, तो चलिए चलते हैं फिर। टाइटन आई प्लस में और भाई लकीली ये खुली मिल गई है, अब चेक करते हैं कि मेरा चश्मा ये कब तक बना के देते हैं, और चेक करती हूँ फिर बता। कुछ लेना हुआ तो हम लेंगे, और फिर इसके बाद हम वापस रूम पे जाएंगे।
सुबह से घूम के आने के बाद वापस गदौलिया दशा स्मिथ मार्केट जो है वहाँ पे आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में सारी दुकानें देख रहे हैं और अब हम लोग इसके बाद एक साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं पुराने जो कि मिलने के लिए आज आने वाले हैं। रात में डिनर हम लोगों ने साथ में करना है तो उनमें से एक की शादी हुई है तो उनके लिए गिफ्ट लेना है। तो चलिए साड़ी की दुकान में जाते हैं फिर मिलते हैं। और ये सारे मार्केट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं जो स्ट्रीट शॉपिंग है उसमें, तो चलिए दुकानों में चलते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको साड़ी ब्लाउज ज्वेलरी सब कुछ मिल जाएगी क्योंकि ये सारे स्ट्रीट मार्केट्स ही हैं और यहाँ पे आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो चलिए दुकान पे चल के फिर बात करते हैं। तो शॉपिंग कर ली मैंने साड़ियों की, बैग दिखाती हूँ आप सबको। ये इतना बड़ा सा बैग है और एक तो गिफ्ट के लिए साड़ियाँ ली और ऐसा हो सकता है कि साड़ियों के शॉप पे हम लोग जाएँ, मतलब हम लेडीज जाएँ और खुद के लिए कोई साड़ी ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने खुद के लिए भी दो साड़ियाँ ली है तो चलिए फिर बाद में दिखाऊंगी। और अभी रूम पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से।